थैंक यू सो मच। ओले मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई या उसके बाद वैसे ही मुझे भी नींद आ गई। और यहाँ पे एक और नए मेहमान आ गए। मत करो, मुझे देखना है कौन है लता प्रसाद। विजय कब आएगा पता नहीं। अब मिस्ट्री पड़ गई है आइसक्रीम के पीछे। बोला कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, इधर आओ करके। वो बोल के कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इधर आओ करके। अपना क्या है? और बागेश्वर आके कैसा लग रहा है फिर? हाय, हाँ जी, तो क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। और मैं मज़े से सोई थी क्योंकि आज संडे है, घर पे सोई थी मैं आराम से। और मम्मी से बोला था मैंने खिचड़ी बना दो, खिचड़ी खाएंगे आज। पर सडनली मेरे को विजय का फ़ोन आया, बोला कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, इधर आओ करके। अब मुझे नहीं पता कि वो सरप्राइज क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सडनली कॉल आया तो मैं घर से निकल गई, बट चलते चलते मेरे दिमाग में आया क्यों ना वीडियो बनाई जाए और क्या सरप्राइज है वो आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो चलो फिर चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरे को पता है कि मैं सरप्राइज होना हूँ, मिस्ट्री जरूर सरप्राइज हो जाएगी क्योंकि मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके जा रही हूँ आज। और उसका कॉल भी आया था अभी, बुआ कब आ रहे हो करके। तो अभी मिस्ट्री का रिएक्शन भी देखेंगे। रोड से थोड़ा सा नीचे ही है भाभी लोगों का रूम, तो मैं पहुँच गई हूँ। और अभी अंदर चल के देखते हैं कि मेरे लिए क्या सरप्राइज है। तो यहाँ पे माया और मिस्ट्री बाहर पे बैठे हैं। ये हेलो। ये मेरे को आप समझ में आया कि ये खुश क्यों नहीं है आज मेरे को देख के, क्योंकि ये फोन में लगी हुई थी। मैडम हेलो बोलो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग कैसे हो? करेंगे। अरे एक मिनट भैया, मेरे लिए सरप्राइज क्या था? मैं तो भूल ही गई सरप्राइज क्या था, बता दो। और वो कहाँ है बंदा, कहाँ है सरप्राइज वाला? भाग गए, चलेंगे। और बंदा इतना खतरनाक ना, मेरे को बोल के कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इधर आओ करके। अपना क्या है पता नहीं कहाँ गया है ही नहीं यार। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब मैं मिलाऊंगी आपको हमारी प्यारी सी भाभी से। हेलो। भाभी को पता नहीं है कि उनकी वीडियो बन रही है और भाभी बना रही खाना। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब मिस्ट्री पड़ गई है आइसक्रीम के पीछे, बट हम इसको खाने के बाद खाएंगे, ठीक है बाबू? बट तब तक तो पिघल जाएगी। ओहो, खा ले अभी बब्बू। ये देखो, अब फोन साइड रखा, अब फोन साइड रखा, तो अब मैडम का प्यार उमर रहा है। उमर क्या बोल रहा? प्यार उमर रहा है ना, ना? अब हमारा बच्चा क्या खाएगा? आइसक्रीम खाएगा ना। थैंक यू बोलो बुआ को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच है। भाई मजा आया। माया विजय कब आएगा पता नहीं। मेरे को तो बंदे के आने का वेट है क्योंकि मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि सरप्राइज क्या था। मेरे को खुद बना दिया खाली खाली। छोटी बच्ची हो क्या? माया ना अपने नए चप्पल दिखा रही है। ओ माय गॉड, चप्पल कैसे बदल दिए तूने, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। गाइस मेरे फाइनली मेरे चप्पल टूट गए थे, मुझे इन्होंने सुना सुना के इतना कर दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो यार, हमें छुड़ाने के लिए क्या कह रही बताओ। हमने उधार ले रखे चप्पल पर, हमारे उधार वगैरह कुछ नहीं ले रखे इसने, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा सुना दिया था ना, क्योंकि इसने एक चप्पल अपने पूरे एक साल चला दिए थे, पता है मिस्टी? एक साल। और वो इतने बकवास लग रहे थे, बहुत ही बकवास लग रहे थे, तो हमने इसको बहुत ज्यादा सुनाया, तो तब जाके इसने अब चप्पल चेंज करे। गजब बेइज्जती है। तो हमारी खाने से पहले आइसक्रीम पार्टी होगी। और मैडम को देखो, मैडम को थोड़ा और चाहिए। और जी मिस्ट्री, मिस्ट्री गंदी बात हो रही ना ये। मिस्ट्री मिस्ट्री और चाहिए? नहीं। अच्छा क्यों मांग रहे हो फिर ये हैं? मिस्ट्री को ना मेरे उसमें से आइसक्रीम पसंद आ रही है, तो जैसे मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ मिस्ट्री हटा दे रही है, और जैसे मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ उसमें से एक चम्मच अपना ले लेती है ना। हाँ है ना। सरप्राइज देने वाला बंदा आ गया। क्या सरप्राइज था? ये मैं खुद लेके आई हूँ, ठीक है ना? तो ये तो सरप्राइज था, तुम खुद लेके आओ ना। ये ऐसा कौन करता है, मतलब मुझे तो लगा कुछ अच्छा, कुछ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा करके सोचा। तो तुम आए आइसक्रीम लेके आए, इतना अच्छा और क्या। मैं तो बहुत ही सपने देखने लग गई थी। ये बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मिस्ट्री क्या कर रही बताओ, दूसरे भाभी के फोन में मेरी फोटो देख रही है, फिर कह रही मैंने अभी लता प्रसाद को दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कहाँ है लता प्रसाद? बड़ा हरामी हो बेटा। दिखाओ लता प्रसाद, दिखाओ ना जल्दी।
अरे मुझे देखना है कौन है लता प्रसाद। नहीं ना रिंदु, हम तो मना ही कर रहे, कब से बाबू ने दिमाग खराब कर दिया यार। कौन है लता प्रसाद देखना है मुझे, मुझे देखना है लता प्रसाद कौन है, दिखाओ यहाँ दिखाओ। भाभी रहने दो, खीरा वीरा खाली क्यों, ये है लता प्रसाद ले रहो। हो गया, क्यों डालना, अब दोबारा फोन में लग गई है। वाह क्या सीन है, विजय को भाभी पैसे दे रही थी, विजय ने माया को दे दिए। पैसे मिल गए हैं, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पॉकेट ही नहीं है शिवो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, वापस कर दो। तेरे पास कोई और रास्ता है, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि विजय जो मेरे को सरप्राइज देने वाला था वो ये सरप्राइज था, चिकन और चावल। तो अभी हम लोग बैठे हैं पूरे पहाड़ी स्टाइल में खाना खाने, ये हमारा मिष्टू खा रहा है यहाँ पे, ये सब लोग खा रहे हैं और अब हम भी खाते हैं। तो ये जो हमारा टेस्टी टेस्टी खाना है, इस टेस्टी खाने को बनाने वाली जो हमारी भाभी है वो ये है, और इन्होंने बनाया खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, और इनके हाथ का चिकन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। भाई मज़ा आया। तो गाइस अभी आप जैसे देख सकते हैं, एक बार एक थाली भात तो इन्होंने खा ही लिया है, तो अब आ गए हैं एक कढ़ाई में, कहीं कुकर ना आ जाए तो। भाभी कुकर रख लो आप, देखो कुकर भी। लोग खाना खाने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अब मैंने क्या देखा ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बता दो सबको, बता, ये देखा मैंने। मतलब माया बर्तन धो सकती है, माया घर का काम कर सकती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैंने माया को पूरे एक दो साल के अंदर कभी काम करते हुए नहीं देखा है, ना अपने घर में ना किसी और के घर में। पहली बार है कि आज माया काम कर रही है। गजब बेइज्जती है, सब देखेंगे, मेरे ससुराल वाले भी मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं बस काम करती हूं यार। अरे ऐसे मत कह दो, काम कर देता, काम करती है, लिस्ट में काम करती है, नहीं करती है। बारिश में आए थे तो किसने धोए थे सारे बर्तन, नहीं करती है, बोल दिया उसने भी, ये काम नहीं करते ना बाबू, नहीं नहीं करते ना, अभी कैसे करती है, मत करो, जाओ आप बाहर बैठो, जाओ फिर बुआ भी आ रही, मेकअप करेगी, जाओ जाओ बाहर, बाय। मैं ओले 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 ओले, ये हाल है, ये हो गया हो गया हो गया, मेकअप करना है, मेकअप करना है, हैं ये तो मत करो मत करो मत करो, करेगा, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। भाभी ना बीच में गांव गई हुई थी क्योंकि मिस्ट्री की छुट्टियां थी ना, तो अभी घर का हाल कैसा हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको, ये कपड़े तो ऐसे ही, ये कपड़े पूरा फैले हुए हैं, पूरे आपने फैलाए कपड़े, ये हमने नहीं फैलाए, हम तो अभी आ रहे थे घर से। अच्छा तो किसने फैलाए कपड़े, अरे वो हमको नहीं मिल रहा था, हमको अच्छा नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था, इसको क्या नहीं मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था, अच्छा अंडरवियर होता है बेटा, वो अंडरवियर होता है, कहाँ से लिया, अंडरवियर नहीं मिल रहा था। तो ये कपड़े किसने फैलाए, सारे कपड़े मम्मी ने फैलाए, मम्मी ने फैलाए, अब समेटने भी मम्मी को ही पड़े ना, ओहो। तो भाभी यहाँ पे कपड़ों का बंटवारा कर रही है, मेरे को ये दिया है और माया को ये वाली फ्रॉक दिया है, लेकिन आपको तो पता ही है मुझे जींस पसंद आती है, मैं दोनों रख लेती हूँ, तो अब मैंने दोनों रख लिए, मैं दोनों पहनूंगी, ये पहन के अब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। अभी पहले हम थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। पार्टी बदल लिया साला। तो खाना आना खा के हम लोग सो गए थे, और थोड़ा सा हमने भाभी की हेल्प की कपड़े रखने में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और उसके बाद अभी हम लोग कहीं घूमने का प्लान बना रहे, घूमने मतलब इवनिंग वॉक का, और मिस्टी ने मेरे होठों का ये हाल कर दिया है। मैं कह रही थी बुआ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, ऐसे लगा दी, अब ये निकल नहीं रही, मैं इसको कैसे छुटाऊँ। ये हमारी चाय बन के आ गई है, ये हमारी शाम की चाय है। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो, और यहाँ पे एक और नए मेहमान आ गए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और ये हमारे लिए क्या लेके आए हैं मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपका। और बागेश्वर आके कैसा लग रहा है फिर,
बागेश्वर से गया ही कब था मैं मतलब ड्रामे कर रहा था तो बागेश्वर से जाने का। और ये लेके आया पिज्जा लेके आया भाई, और अब हम सब लोग खाएंगे पिज्जा। सब लोग नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या कह रहा है बताऊं, तेरे को नहीं खिलाऊंगा पिज्जा कह रहा है। अभी खिलाएगा करके मैं वीडियो भी बना रही हूँ, फिर भी अगर नहीं खिलाता तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। पता है हरामी हो बेटा, क्यों मुझे नहीं खिलाएगा तू? कौन है तू? तो अभी हो गई है शाम और अभी हम लोग जा रहे हैं अब घर को, और भाभी के साथ आज का दिन बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली यहाँ पे विजय ने मुझे बताया भाभी के साथ आने का रीज़न ये था क्योंकि भैया घर आए हुए थे, तो कल परसों में भैया निकल गए थे, तो आज भाभी बागेश्वर आई गांव से, तो हम थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करना आया था और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की हमने, और लास्ट में फिर सैम भी आ गया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो बाय। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद माया बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसके बाद मैं माया की पैरों की मालिश कर रही थी, और उसके बाद वैसे ही मुझे भी नींद आ गई। करना करना बाय बाय लव यू अच्छे से नहीं बनी। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।